हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जुबली स्टार निरहुआ, मुकद्दर का सिकंदर और आम्रपाली दुबे की फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फिल्म काफ़ी अच्छी थी, फिल्म बायोपिक थी लेकिन उतनी अच्छी बनाई नहीं गई थी जितनी हमें इस फिल्म से उम्मीदें थीं, और फिल्म में एक्शन सीन्स भी उतने अच्छे नहीं थे जितने कि निरहुआ के फिल्म में होते हैं। आइए बात करते हैं पहले फिल्म के बारे में, फिर बताएंगे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे फॉलो करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहाँ भी डिमांड रख सकते हो। फिल्म को प्रोड्यूस किया था वसीम खान ने, फिल्म को डायरेक्ट किया था संतोष मिश्रा जी ने। संतोष मिश्रा जी थे, वैसे तो हमें काफ़ी उम्मीदें थी इस फिल्म को लेके, लेकिन वो उस लेवल की फिल्म नहीं बना पाए जितनी कि हमें उनसे उम्मीदें थी। फिल्म में को स्टार थे समीम खान, और समीम खान इस फिल्म में एक कॉप की भूमिका में यानी एक पुलिस ऑफिसर बने हुए। आइए स्टार्ट करते फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। दोस्तों फिल्म ने डे वन पे कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पे 12 लाख रुपये। फिल्म का फर्स्ट वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 30 लाख रुपये। फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक पे कमाई की बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 48 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, और फिल्म ने लॉकडाउन से पहले कमाई की थिएटर से 3.80 करोड़ रुपए। फिल्म का बजट था 2.35 करोड़ रुपए। और वैसे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हो चुकी है, ये फिल्म आपने टीवी पे देखी भी होगी, और अगर आपने फिल्म नहीं देखी हो तो ज़रूर देखें। कैसी लगी फिल्म, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करें। मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर किसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एंटरटेनमेंट फॉर यू।